सावन का महीना यानी कि भगवान शिव का महीना और यह महीना बड़ा ही ज्यादा खास और विशेष होता है। इसी के साथ सावन के सोमवार अपने आप में ही खास और विशेष हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सावन के सोमवार जो कोई भी व्यक्ति लगातार व्रत रखता है उसकी कैसी भी मनोकामना हो पूर्ण होती ही है। बहुत सारी लड़कियाँ इस सावन सोमवार के व्रत को रखती भी इसीलिए हैं कि उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति हो सके। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि सावन के जो सोमवार होते हैं यह मनचाहा वरदान देने के लिए सबसे ज्यादा खास बताए गए हैं। अगर आपके जीवन में संपूर्ण 9 ग्रह आपको परेशान करते हैं, जैसे कि कोई भी ग्रह चाहे आपको परेशान करता है या फिर आपके जीवन में पितृ दोष या काल सर्प दोष हो गया है और इससे आपको काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, तो सावन के सोमवार पर कुछ आसान सी चीजों को करके आप अपने जीवन से पितृदोष और काल सर्प दोष को दूर कर सकते हैं। जिस भी व्यक्ति के जीवन में पितृदोष होता है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसका कोई भी कार्य बन ही नहीं पाता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में काल सर्प दोष होता है तो उसके जीवन में हमेशा ही डर का चिंता का साया बना ही रहता है। यह दोनों ही दोष तब होते हैं जब किसी व्यक्ति के जीवन में राहु केतु की दशा बिल्कुल भी ठीक नहीं होती है। राहु केतु जो ग्रह होते हैं ये बड़े ही रहस्यमय ग्रह होते हैं और जिसके भी ये अच्छे होते हैं उसके जीवन में अचानक से धन प्राप्ति निश्चित ही होती रहती है, उसे कभी भी धन की हानि का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन एक ऐसा खास प्रयोग बताया गया है जिसे सावन के सोमवार पर अगर किया जाए तो उसे करने से सभी ग्रह बिल्कुल ही अच्छे हो जाते हैं, खास करके राहु केतु के जो दुष्परिणाम होते हैं वह तुरंत ही समाप्त होते हैं और अच्छे परिणाम शुरू हो जाते हैं, जिससे अचानक धन प्राप्ति के योग बनने लग जाते हैं। तो इसके लिए आपको केवल इतना करना है कि सावन के सोमवार आपको धतूरे के फल को जहाँ भी आपको दिखता है वहाँ से तोड़ लेना है, और यह धतूरे का फल तोड़ने के बाद आपको इसे अपने माथे से लगा कर रखना है और इस मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रोम जूम सा नमः शिवाय। यह भगवान शिव का संजीवनी मंत्र है। बस इसी मंत्र का आपको जाप करना है, धतूरे के फल को अपने माथे से लगा लेना है, जिससे सभी दुर्भाग्य सभी ग्रह दोष सभी परेशानी उस धतूरे के फल में समा जाए। क्योंकि जब आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो इससे संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जाएं धतूरे के फल में जाना शुरू हो जाएगी, और कम से कम 108 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है, धतूरे के फल को माथे से लगा कर रखना है और सावन के सोमवार पर शिवलिंग पर जाकर इस फल को चढ़ा देना है। शास्त्रों में केवल इस फल को चढ़ाने की बड़ी महिमा बताई गई है, लेकिन जो प्रयोग हमने आपको बताया है ये तंत्र प्रयोग है, जो संजीवनी साधना का प्रयोग है, जिसको करने से चक्र में जितनी भी ब्लॉकेज होती हैं वे संपूर्ण रूप से बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और आसपास सकारात्मक ऊर्जा का वास पड़ने लग जाता है। नकारात्मक ऊर्जाओं की एक खासियत होती है कि एक बार वो जब आ जाती हैं तो जीवन में बड़ा ही ज्यादा परेशान करती हैं, डर का चिंता का माहौल सा बनाकर रखती हैं। और ये खासियत होती है कि जिस भी व्यक्ति पर भगवान शिव की कृपा होती है और अगर ऐसे व्यक्ति को कोई बुरा करने की सोचता है या उसे बुरा भला सोचता है या बोलता है तो तुरंत ही भगवान शिव के गण उस व्यक्ति के मन की शांति को छीन लेते हैं। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान शिव के भक्त को परेशान करने के बारे में सोचता है या उसके बारे में बुरा भला बोलता है, उसकी बुराई करता है, तो बिना ही मांगे बिना ही कहे भगवान शिव के गण ऐसे व्यक्ति के मन की शांति छीन लेते हैं, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा डर चिंता और परेशानी सताने लग जाती है, वह चैन से सो नहीं पाता है और धीरे धीरे तरह तरह की बीमारियों का शिकार बन जाता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि किसी से भी उलझ जाओ लेकिन भगवान शिव के भक्तों से कभी भी नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि अगर वो कुछ करेंगे भी नहीं तब भी बिना ही कुछ करे सब कुछ अपने आप ही होता है। और जो यह प्रयोग हमने आपको बताया है इसको करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्ति होती है और नकारात्मक ऊर्जाओं से तुरंत ही छुटकारा प्राप्त होता है, जिससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जाएं बढ़ती ही चली जाती हैं। तो दोस्तों जरूर सावन के सोमवार पर आप इस प्रयोग को करें और लाभ उठाएं। आशा करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।